नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली को सुधारने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के पुलिस कप्तान का बड़ा फैसला। प्रत्येक माह बेहतर काम करने वाले पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों को प्रशंसा पत्र और नगद इनाम देकर किया जाएगा उन्हें सम्मानित। एमजीएम थाना क्षेत्र में दिलीप हेमरम नामक युवक की हत्या के रहस्यों पर से उठा पर्दा। डीएसपी कैलाश करमाली ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी। मृतक के दो दोस्तों को किया गया गिरफ्तार। मानगो पंप हाउस में इंटकवेल के स्लुइस वाल्व के फटने से क्षेत्र के 3 लाख की आबादी तरस रहे हैं पानी के लिए। क्षेत्र के विधायक तथा मंत्री ने लिया आज मरम्मतीकरण का जायजा। बैसानगर के बैकुंठ नगर इलाके में सरकारी जमीन पर बसे घरों को तोड़े जाने के विरोध में यहां के स्थानीयों ने जताया कांग्रेस के समर्थन में विरोध। निकाली विशाल प्रदर्शन रैली। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी अनुप विरथरे ने अपने जिले के पुलिस कर्मियों की कार्यशैली को सुधारने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत प्रत्येक माह जिले में बेहतर काम करने वाले पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मी को एसएसपी के द्वारा प्रशंसा पत्र और 500 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा और उनकी तस्वीर एसएसपी कार्यालय में लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत पिछले माह से ही कर दी गई है। इस संबंध में जिले के एसएसपी अनुप विरथरे ने बताया कि जिले में अच्छा काम कर रहे पुलिस पदाधिकारी या कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। वैसे पुलिसकर्मी जो आम नागरिकों की मदद करने में, अपराधियों को पकड़ने में, केस का निष्पादन करने में बेहतर काम किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जुलाई माह में 3 SI, 4 SI और 3 कांस्टेबल का नाम चयनित किया गया है जिनकी तस्वीर को मुख्यालय के बाहर एक बोर्ड में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ये है कि विभाग के लोग भी इनके कार्यों का अनुकरण करें। एसएसपी ने बताया कि इसके तहत चुने गए पुलिस कर्मियों या पुलिस पदाधिकारी को एसएसपी की ओर से 500 रुपया नगद इनाम और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा और सर्विस बुक में भी इनके कार्यों की प्रशंसा लिखी जाएगी। जुलाई के महीने में जमशेदपुर पुलिस ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है अपने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। हम लोगों ने परफॉर्मर ऑफ द मंथ हम लोगों ने चुनाव किया है। ऐसे पुलिसकर्मी जो टाइगर मोबाइल PCR इत्यादि में है, जो अपराधियों को पकड़ने में, आम नागरिकों की मदद करने में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका हम लोगों ने 3 कांस्टेबल्स का नाम चयनित किया है। 3 कांस्टेबल्स या पदाधिकारी हम लोगों ने ट्रैफिक से चयनित किए हैं जिन्होंने ट्रैफिक में अच्छा काम किया है, ज़्यादा जिन्होंने जुर्माना वसूली की है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसके अलावा 3 अनुसंधानकर्ता, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या ASI हो, जिन्होंने कि अच्छा अनुसंधान किसी केस में किया है, क्योंकि जिनका कि नाम और जिनकी की फ़ोटो जो SSP ऑफिस है उसके बाहर में जो नोटिस बोर्ड है उसमें हम लोगों ने चिपकाया है और उसमें उनको गर्व के साथ हम लोगों ने कहा है कि ये हमारे पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस महीने कुछ अच्छा काम किया है। और ऐसे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को 500 रुपये का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र भी हम लोग दे रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी रात दिन मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में, आम नागरिकों की मदद करने में या केसेस को डिटेक्ट करने में, केसेस को रिसीवल करने में, उनको प्रोत्साहन मिले और वो मोटिवेटेड फील करें। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में दिलीप हेमरम नामक युवक की बेरहमी से की गई हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 1 बाइक और मृतक के कई सामान बरामद कर लिए गए हैं। इसकी जानकारी DSP कैलाश करमाली ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 3 दोस्त कहीं पार्टी कर रहे थे, तभी इन लोगों में कुछ विवाद हो गया जिसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर मृतक दिलीप हेमरम को पत्थर से कूचकर घायल कर दिया और जिंदा हालत में दिलीप को उनके दोस्तों ने पहाड़ पर से नीचे नदी में फेंक दिया। घटना 5 अगस्त की थी। 11 अगस्त को पुलिस को शव मिला जिसके बाद पुलिस ने मामले में जाँच करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया और आरोपी 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोग एक कंपनी में काम करते थे और 3 गालुडी थाना क्षेत्र के एक ही गाँव रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। 11 तारीख को गालोडिया और MGM के बॉर्डर में स्वर्णरेखा नदी में एक हत्या करके फेंका हुआ डेड बॉडी मिला था। उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद करके आइडेंटिफाई करवाया गया था
तो उस लड़का एक लड़का का डेड बॉडी था, उसका घर था कांसी डांगा, गालोडी थाना क्षेत्र पड़ता है, और ये हत्या करके नदी में फेंका गया था। जब अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान के क्रम में दो लड़के की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम है लाभे मार्डे और मिलन सिंह। इनके द्वारा ही 5/8/18 को हत्या करके जंगल में हत्या किया गया था उसका, और जंगल में ही नदी में पहाड़ से, बहुत स्टीप पहाड़ है, और वहाँ से सीधे अधमरा अवस्था में ही नीचे फेंक दिया गया था, जो फॉलो होके वो स्वर्णरेखा नदी में आया था। हम लोगों ने दोनों की गिरफ्तारी किए हैं, लाभे मार्डी और मिलन सिंह, दोनों है बुरुडंगा का रहने वाला है, गालोडी थाना क्षेत्र का, और दोनों के द्वारा है कि मारकर फेंका गया था, और उसका सामान जो है जंगल में ही फेंक दिया गया था, जिसका भी इसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने बरामदगी भी। जमशेदपुर के मानगो में 3 लाख की आबादी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां मानगो के पंप हाउस के इंटेक वेल के स्लुइस वाल्व के फट जाने से मानगो के 21,000 घरों में पानी सप्लाई बंद हो गई है। इसको लेकर मानगो के विधायक सह मंत्री सरयू राय ने मानगो पंप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान मानगो अक्षेस के अधिकारी भी शामिल थे। वहीं स्लुइस वाल्व की मरम्मतीकरण का भी मंत्री सरयू राय ने अधिकारियों से जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा नया वाल्व लगाने का काम तेजी से करवाया जा रहा है। रात भर कर्मचारियों द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द मानगो के लोगों को पानी मिल सके। वहीं मंत्री सरयू राय ने कहा कि ये मिलाकर 3 बार स्लुइस वाल्व फटा है, जिससे यहाँ रह रहे लाखों लोगों को पानी की परेशानी का सामना फिर से करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली बार बार कट जाने से और पंप कुछ ज्यादा ही सामने है, जिससे वाल्व पर प्रेशर ज्यादा होने से ये फट रहा है। मंत्री इसको लेकर सरकार से बात करेंगे और जल्द ही एक फंड पास करवाकर एक नया पंप हाउस खोला जाएगा। इसके बगल में फिलहाल यहाँ अभी 2 वाल्व लगाए जाएंगे, जिससे एक फटने से दूसरे वाल्व से लोगों को पानी मिल सके। वहीं पंप हाउस में 24 घंटे बिजली देने की बातें जिसको से हुई थी, मगर जिसको बिजली नहीं दे रही है, इसको भी लेकर अब सरकार से बात होगी। मंत्री सरयू राय ने 2 दिनों में लोगों को परेशानी से निजात दिलाने वाले मानगो अक्षेस की भी तारीफ की। अक्षेस द्वारा लोगों को घर घर जाकर टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। परसों शाम को हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ का वाल्व फट गया है। मैंने तुरंत बात किया हमारे सिटी इंजीनियर से, इन्होंने भी कंफर्म करके बताया कि हाँ वाल्व फट गया है, और ये 3री बार यहाँ का वाल्व फटा है। तो हम लोग इस बार, हमने इनको यही सलाह दिया है कि एक बार आप लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि कहीं डिजाइन में डिफेक्ट है, तो उसके लिए डिजाइन में कुछ चेंज करना होगा या ज़्यादा स्ट्रेंथ का वाल्व लगाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि P10 का वाल्व हम लोग P16 से ऊपर का अब लगाने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को भी देख लेंगे। एक रिपोर्ट तो बननी चाहिए, इतना साल काम किया है तो इसके ऑपरेशन में, संचालन में कहाँ कमी दिखाई पड़ी है कभी भी, तो सारी चीज़ों के बिंदु पर एक हमने कहा है कि आप लोग इस पर आप जाँच कर लीजिए, देख लीजिए, एक रिपोर्ट बना लीजिए। इसमें आपके यहाँ से हो जाए तो ठीक है, बाहर से सहायता लेनी पड़ेगी तो भी करिए। 17 ट्रैक ये पानी टैंकर लगा के और लोगों ने सप्लाई किया है जितना कर सकते थे, इसलिए अधिकारियों ने बड़ी संवेदना के साथ इसको लिया है, और बहुत जल्दी दूसरे से उधार लेके यहाँ वाल्व लगाया है लोगों ने, नहीं तो कलकत्ता से वाल्व आता तो 1 हफ्ता लग जाता उसमें। तो बिजली विभाग और हमारे नगर पालिका, इन दोनों के लोगों ने संवेदना के साथ काम किया है इसलिए। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और
अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बिरसान नगर के बैकुंठ नगर इलाके में सरकारी जमीनों पर बसे घरों को तोड़े जाने का विरोध यहां के स्थानीयों ने जताया है। कांग्रेस के समर्थन के साथ इनके द्वारा विशाल प्रदर्शन रैली शनिवार को निकाली गई, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला व पुरुष शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार तथा वरीय नेता आनंद बिहारी दुबे इस दौरान शामिल थे। सभी ने एक स्वर में इस कार्य की निंदा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार क्षेत्र में जितने भी घर तोड़े गए हैं उसमें से किसी को भी पूर्व में नोटिस नहीं दिया गया और यहाँ लगभग 40 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया। इन्होंने कहा कि यहाँ लोग अपनी काढ़ी कमाई से घर बना चुके थे। इन्होंने कहा कि यहाँ घर तोड़ने के बाद ये कारण बताया गया है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे, जबकि शहर के कई इलाकों में बड़ी मात्रा में सरकारी भूखंड है जहाँ की आवास योजना के तहत घर बनाए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि जानबूझकर प्रशासनिक तंत्र के द्वारा इसी क्षेत्र को तोड़ा गया, क्योंकि जहां पूर्व से ही सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज जैसी जन सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में जांच कर पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। वैकुंठ नगर में बिरसा नगर के आस्था कॉम्प्लेक्स के पास जो हमारे वैकुंठ नगर के सब नागरिक हैं, परिवार के लोग हैं, बिना नोटिस दिए हुए लोग का मकान तोड़ा जा रहा है। अब आप बताइएगा कि पूरे शहर में आसपास में चारों तरफ गैर मजरूबा सरकारी जमीन इतना है और सिर्फ इसी कॉलोनी में क्यों उनका आंक लग पड़ गया है? इसलिए आंक पड़ गया है क्योंकि वो किसी बिल्डर को देना चाहते हैं, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर गरीब को मकान देना है तो खाली जमीन बहुत है। बैकुंठ नगर पर क्यों नजर है? क्योंकि वहां पर रोड बन गया है, वहां पर बिजली की सुविधा है, तो इसका मतलब है कि कोई बिल्डर को आप देना चाह रहे हैं। तो हमारे जो क्षेत्र के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो है जो मजदूरी करके अपने कंपनी में काम करके अपने जो है मेहनत से कमाई, जिन्होंने जिंदगी भर के कमाई से एक जो है मकान बनाया है और उन्हीं का मकान उजाड़ रहा है किस आधार पर? और इसको ऐसे मकान टूटे गए जिसको नोटिस भी नहीं दिया गया, तो वैसे पदाधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। पुलिस लाइन के ऑफिसर्स फ्लैट के लोग इन दिनों मौत के साए में जीने को मजबूर है। फ्लैट के पीछे फ्लाई ऐश का बना मैदान इनके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा है। फ्लाई ऐश फ्लैट के बोरिंग के पानी में भी मिल चुका है, जिससे पानी दूषित है, जिससे पुलिस अधिकारी तथा उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। पुलिस अधिकारियों के परिजन फ्लैट से पलायन की सोच रहे हैं। किसके द्वारा इतनी भारी मात्रा में फ्लाई ऐश
फ्लैट के पास गिराया गया है, इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित पुलिस लाइन का है, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स ब्लॉक नंबर 2 के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, जहाँ पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ सरकारी फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट के ठीक पीछे टाटा कंपनी के फ्लाई ऐश का मैदान बना हुआ है। फ्लाई ऐश किसी भी व्यक्ति की सेहत पर भयानक असर डालता है। फ्लाई ऐश से आम लोगों में कई भयानक बीमारियां हो सकती है। किसने यह फ्लाई ऐश रेजिडेंशियल इलाके में गिराने का आदेश दिया है, ये किसी को नहीं मालूम है। जो यहाँ फ्लैट के बगल में भर दिया है, उसको फ्लैट के आसपास नहीं गिराना है, उसको शहर से दूर गिराना है, उसको बगल में गिरा दिया है, जिसके चलते यहाँ का टोटल नाली बारिश के पानी में बह के बंद हो गया है, और वही नाली का पानी हमारा बोरिंग के अंदर चला गया है, और 3-4 दिन से हम लोग वही नाली का पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं और रह रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लाई ऐश है वो हमारे बोरिंग के पानी में जा रहा है, प्लस ये गर्मी के मौसम में जब धूल उड़ती है, जब हवा चलती है, तो ये हमारे आंख में जाता है और कई लोगों के आंखों में जलन और खुजली की समस्या आती है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं और ये इतने सारे लोगों की बिल्डिंग है, तो हम सब जो इतना 10,000 किसी का 15,000 किराया जा रहा है, हम सब मजबूर हो जाएंगे यहाँ से शिफ्ट होने के लिए। पुलिस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की माने तो उनके समय में भी इस तरह का फ्लाई ऐश मिट्टी के नाम पर यहाँ डालने की बातें हुई थी। जब उन्होंने इसकी जानकारी ली तो फ्लाई ऐश के बारे में पता चला कि इसे रेजिडेंशियल इलाका ही नहीं बल्कि शहर से 30 किलोमीटर दूर फेंकने का प्रावधान है, क्योंकि फ्लाई ऐश लोगों के लिए हानिकारक है। इन्होंने ये भी दावा किया कि इस फ्लाई ऐश से लोगों में कई बीमारियाँ हो सकती है। तो हमको लगता है कि उस आवास में जितने लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनके जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। हमको लगता है कि ईएस हमारे समय में भी एक बार यहाँ पर सब लोग आए हुए थे कि मिट्टी के नाम पर गिराने की, मिट्टी के बारे में पता लगा है तो पता लगा कि ये शहर से जो है कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर इसको गिराना है। अगर ये मिट्टी गिरा दिए हैं तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोगों पर जो है अगर जानबूझकर गिराए हैं तो इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई कदम न उठाए। अगर रक्षक ही दहशत में रहे तो आम लोगों की रक्षा कौन करेगा? अगर रक्षक बीमार पड़ते हैं तो शहर की सुरक्षा कैसे हो सकती है? देखना यह है कि इस फ्लाई ऐश से गोलमोरी पुलिस लाइन के ऑफिसर्स फ्लैट के लोगों को कब तक निजात मिल पाती है। जमशेदपुर में 38वें हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता सा शहीद सम्मान समारोह का आयोजन माइकल जॉन सभागार में किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने दर्शकों को देशभक्ति गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 37 वर्षों से लगातार इसका आयोजन जॉइंट्स ग्रुप द्वारा शहर में किया जा रहा है। इस बार जॉइंट्स ग्रुप तथा यंग इंडियंस के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वे प्रज्वलित कर शहीदों के सम्मान में देशभक्ति गीतों के साथ की गई, जिसके बाद शहर के लगभग 40 विभिन्न स्कूलों से 150 से ज्यादा छात्रों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने देशभक्ति गीतों से पूरे सभागार में बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहां के पूरा माहौल देशभक्ति में लीन हो चुका था। कार्यक्रम के दौरान देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले जमशेदपुर के 6 सेना तथा पुलिस बल के जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। फारस के आसमां से फिर ताप वही थे जिसने चमकाए कहकशां से। सालों से ऑलरेडी चल रहा है, जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर कर रहा था। इस बार पहली बार उन्होंने अपने छोटे भाई यंग इंडियंस को इसके साथ जोड़ा, और इस साल CIA यंग इंडियंस और जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर के साथ
ये आयोजन किया गया और जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार बच्चों का उत्साह पूरे जमशेदपुर और आसपास के इलाकों से एक भीड़ उमड़ पड़ी है इस प्रोग्राम के लिए। शायद ये वाजपेयी जी का श्रद्धा सुमन देने के लिए भी कह सकते हैं या देश के लिए उत्प्रोत उनकी भावना हो सकती है। कितने स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है? 34 स्कूल के बच्चों ने इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ। बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा अनंत में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साक्षी थाना के समीप नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विचार मंच के संयोजक अश्विनी झा के अलावे समाज के कई बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वही इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए अश्विनी झा ने कहा कि लंबे समय तक राजनीति करने वाले स्वर्गीय वाजपेयी जी का जीवन काफी साधारण था, जो इस युग में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कड़ी मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी शून्य से आज शिखर तक पहुंची है। ऐसे महान व्यक्ति के विचार हम लोगों के बीच सदा जीवित रहेंगे। भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन पर हम लोग गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति। जमशेदपुर के आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं को हर्बल पौधा देकर सम्मानित किया गया, साथ ही इसके विषय में जागरूक भी किया गया। लगातार टीम के द्वारा समाज कल्याण हेतु इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है।
इस बार इस आयोजन में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को हर्बल पौधे देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों के अनुसार हर्बल पौधा शरीर के रोगों को दूर करने में कारगर होते हैं, साथ ही इससे वातावरण भी दूषित होने से बचता है, जिस कारण से ये सभी रक्तदाताओं को दिया जा रहा है ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। आज का विशेष रक्तदान शिविर का में एक विशेष रूप से कुछ किया जा रहा है, इसमें हर्बल प्लांट भी जो डोनर लोग हैं उनको दिया जा रहा है। उसमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग कुछ हर्बल प्लांट दे रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ा उसके प्रति रुचि बढ़े। गिलोय का पौधा आज हम लोग जो भी डोनर है उनको दे रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अनंत में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारद्वार स्थित ओल्ड एज होम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महिला भाजपा नेत्री प्रीति सिन्हा के अलावे कई महिला तथा कार्यकर्ता शामिल थे। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए प्रीति सिन्हा ने कहा कि हमने अपने अभिभावक को खो दिया है, जिनकी याद हमें कुशल राजनीति की परिभाषा को बताती है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हमारे पितामह, जिन्होंने 16 तारीख को अपना अंतिम देहावसान किया, उनके श्रद्धांजलि सभा हम यहाँ रखे हैं। हमारे मुख्य अतिथि भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार जी।
जमशेदपुर की सामाजिक संस्था संघर्ष द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बिष्टुपुर पार्वती घाट के समीप कुष्ठ आश्रम में इन्होंने पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इसके बाद इनके द्वारा यहां मौजूद बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत किया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। संस्था के सचिव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जैसे महान व्यक्तित्वों को नमन करते हुए पूरी टीम इन बुजुर्गों के बीच पहुंचती है और इनके बीच समय व्यतीत कर तथा इन्हें भोजन कराकर वे पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये टीम संघर्ष की तरफ से नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम में जो पार्वती घाट के पीछे है, देश के लिए भी एक दुखद दिन रहा कि हमने कल ही हमारे देश के एक सशक्त नेता को हमने गवा दिया। पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को टीम संघर्ष ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत सत नमन करता है और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में हम सभी चल सके, यही विचारधारा के साथ, यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने का आज संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो भी देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं तो हम चाहेंगे पूरे टीम संघर्ष परिवार भी उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़े। सत सत नमन के साथ टीम संघर्ष परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।